एक अच्छा वीडियो वो होता है जिसके वीडियो की आवाज़ की क्लियरिटी अच्छी हो। आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लीजिए, अगर आपके वीडियो की आवाज़ की क्लियरिटी अच्छी नहीं है तो आपका वीडियो बेकार है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे माइक अवेलेबल है, 10,000-20,000 के रेंज में है। तो मैं आपको एक ऐसे सस्ता माइक के बारे में बताऊंगा जो आप बहुत ही आसानी से आप उसको परचेज करके अपने वीडियो में इस माइक से आवाज़ बना के अपन वीडियो को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप यूज कर सकते हो। नहीं तो आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लीजिए, अगर आपकी वीडियो का तो आवाज़ अच्छी नहीं है तो आपका वीडियो बेकार है। तो इसका रेंज जो है 1,050 से स्टार्ट है और इससे आगे तक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये बोया का BY-M1 मैट है जिसको आप देख रहे हैं कि मैं इसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसका ओरिजिनल डुप्लिकेट जानने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं वार कोड, इसको आप स्कैन करेंगे या आप जो ये वाला जो वार कोड है इसको स्कैन करके बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड कर पाएंगे कि ये जेन्युइन है या कोई फ्रॉड है या कोई डुप्लीकेट है। तो बहुत ही आसानी से इसको मैं सर्च करके दिखाने वाला हूँ आपको। इससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और डेस्कटॉप, लैपटॉप, कैमरा और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है जो कैम स्कैनर का है। तो यहाँ से कैम कैमरा के लिए भी आप बहुत ही आसानी से इस मैप को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं चलिए मैं पहले आपको ये वाले कैम जो है बार कोड इसको स्कैन करके बताता हूँ कि ये डुप्लीकेट है या फ्रॉड है। चलिए मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको ये जो बार कोड है इसको स्कैन कर लेना। चलिए मैं इसको स्कैन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको स्कैन कर लेंगे इस तरीके से, आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आ जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको जो देख रहे हैं कि यहाँ पे वेब सर्च है, आपको वेब सर्च पे जाके आपको क्या करना है इस पर सर्च कर लेना है। तो चलिए वेब सर्च पे हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको इस तरीके से ये बोया का प्रोडक्ट आपको ओपन होके आ जाएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि ओरिजिनल मैक है और मेरा ये देख रहे हैं ये कोड ऊपर में आ चुका है जो 6971008020809 है। तो ये मेरा कोड है जो बोया मैक है। तो इस तरीके से आपको ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। डुप्लीकेट अगर रहेगा तो आपके बीच में ही कट हो जाएगा, ये पेज ओपन होकर नहीं आएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल बोया का ओरिजिनल मैक है। चलिए इसके जो कुछ फीचर है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। तो आपको ये मैक यूज करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट मोबाइल में यूज कर सकते हैं, देख जो टैबलेट होता है उसमें, ये जो है आपको लैपटॉप, ये कैमरा जो होता है DSLR और यह कैमकॉर्डर है। तो इस सब में बहुत ही आसानी से इस मैक को आप यूज कर सकते हो और बहुत ही आसानी से इसको चला सकते हो। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मैक है जो बोया का है, तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है वायर। तो ये 20 फीट है, आप सोच सकते हो 20 फीट कितना हो जाता है। तो ये 20 फीट वायर है और इसको बहुत ही आसानी से आप जो मैक कहीं से भी कहीं ले आके इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो और ये मैक का आप यूज कर सकते हो। बोया माइक का जो ओरिजिनल आपको माइक मिलेगा तो उसमें आपको एक वारंटी कार्ड मिलेगा जो आप मेरे हैंड में देख रहे हो। तो ये 6 महीने से लेकर साल भर का ये वारंटी कार्ड होता है। तो जो ये जो कार्ड आपको ओरिजिनल बोया माइक में ही मिलेगा, डुप्लीकेट में आपको ये जो है नहीं मिल पाएगा। ये कुछ गाइडलाइन है, तो इस गाइडलाइन से आप इसको बहुत ही आसानी से, इसके अंदर जो भी गाइडलाइन है इसको बहुत ही आसानी से इसको रीड कर सकते हो। और ये हो गया जो इसको जो बैग हो गया, उसको मैक को कहीं भी इस बैग में आप इसको लेके जा सकते हो जो देख रहे हो बोया का है। तो अब इस बैग में रख के कहीं भी इसको आप लेके जा सकते हो, लेके आ सकते हो। ये कुछ सेफ्टी के लिए हो गया, मैक के सेफ्टी के लिए। तो आप इसको अपने मैक में रख के बहुत अपने मोबाइल की सेफ्टी कर सकते हो। और ये देख रहे हो कि ये आपको बोया की तरफ से एक कार्ड मिलता है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपको बोया का जो ओरिजिनल मैक रहेगा तो आपको ये वाला कार्ड अवश्य मिलेगा। कुछ मिले ना मिले ये तो आपको बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी से मिल जाए।
तो बोया का जो मैच लीजिएगा तो इसमें बोया क्वालिफायर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि यह आपका ओरिजिनल है। अगर यह आपको नहीं मिलेगा समझिए आपका यह डुप्लीकेट है। तो अब इस सबको आप बहुत ही आसानी से चेक करके अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। ये हो गया आपका बैटरी, जो इसको बैटरी उसमें लगेगा मैं दिखाऊंगा कि कहाँ लगेगा। और ये हो गया आपका जो मैट में नॉइस रिमूवल के लिए हो गया, जो अगल बगल का जो भी नॉइस आता है तो उसको हटाने के लिए ये लगता है। और ये हो गया आप क्लिप जो आप मैट में लगेगा, ये DSLR में लगता है, कैमकॉर्डर में लगता है। तो आप अगर यूज करते हैं DSLR कैमकॉर्डर तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो आ चुका है ये कैमकॉर्डर में लगेगा, और ये आपको जो लगेगा वही नॉइस रिमूवल के। और ये आपका क्लिप जो है, ये आपका आपको जो क्लिप है ये आपको मैट में लग जाएगा क्लिप। तो आप देख रहे हैं मैं इसको ओपन कर दिया हूँ, ये जो देख रहे हैं नॉइस रिमूवल का है। आप नॉइस रिमूवल का भी मैट में इसको इस तरीके से इसको इंसर्ट कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आप इसको इसमें लगा लीजिए। इसके बाद आपका हो गया जो ये क्लिप हो गया, क्लिप जो है आपको इसमें लगा लेना है, ये जो है इसमें आपको क्लिप लगेगा। तो चलिए मैं आपको इसको क्लिप लगा कर इस तरीके से आपको इसमें क्लिप इस तरीके से इसमें लगा दें। तो देखिए आपका ये इसमें लग चुका है, और ये बहुत ही आसानी से कॉलर में लगा लीजिए, शर्ट में लगा लीजिए, तो बहुत ही आसानी से इसको लगा के आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से जाके इसको आप ओपन करके निकाल लीजिए और इसमें बैटरी लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका बैटरी लगेगा, चलिए मैं आपको बैटरी लगा के दिखाता हूँ कि बैटरी कैसे लगेगा। तो ये देखिए ये बैटरी हो चुका है, बैटरी को आप सिंपली इसमें डाल के इसमें बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। तो आप इस तरीके से इसको बैटरी को इसमें लगा लीजिए, ऐसे लगा के आपको क्या करना है इसको पैक कर, तो बैटरी लगा के सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए। इसके चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब देख रहे हैं कि ऊपर कैमरा का ऑप्शन है और नीचे आपका स्मार्टफोन है। अगर आप कैमरा का यूज़ करते हैं सिंपली इसको ऑन कर लीजिए, ऊपर की ओर कर लीजिए। अगर आप कैमरा का यूज नहीं करते हैं तो आपको बैटरी का यूज नहीं होने वाला है, तो सिंपली आप इसको नीचे कर दीजिए और नीचे करने का इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ पे आप अपना जो मोबाइल है उसको यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, और आपका जो टैबलेट है वो ऑफ करके ही यूज कर सकते हैं क्योंकि आपका बैटरी यूज नहीं होने वाला है। अगर आप जो DSLR कैमरा या कैमकॉर्डर यूज करते हैं तो सिंपली आपको यहां से ऑन कर दिला तो आपको बैटरी यूज होगा। अगर आप मोबाइल में या डेस्कटॉप पे या आप अपना जो टैबलेट है उसमें यूज करते हैं तो सिंपली आप इसको ऑफ ही रहने दीजिए। ऑफ रहने के बाद आपका बैटरी यूज नहीं होगा, और आपका जो टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है उसमें बहुत ही आसानी से ये ऑफ में ही यूज होगा। तो अब तक जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो मैं दूसरा मैक से बोल रहा हूँ। अब मैं इस मैक से आवाज़ आपको सुना के दिखाऊंगा कि इसकी क्लियरिटी कितनी है, और जो मैं अब बात कर रहा हूँ तो उसका क्लियरिटी कितनी है, दोनों का आप मैचिंग करके भी देख सकते हैं। तो हेलो, आप तो मेरे आवाज़ जो अभी सुन रहे हैं आप, ये बोया BY-M1 मैक्स है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्लियरिटी जो आवाज़ की है कितनी है, और जो मैं पहले बोल रहा था तो उसकी जो मैक की आवाज़ की क्लियरिटी कैसी थी। तो जो आप ये परचेज कीजिएगा बोया BY-M1 मैक, तो बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये बहुत ही शानदार मैक है। तो आप ये मैक बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं, मैं ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप भी इस मैक को परचेज कर सकते हैं और अपना जो वीडियो है इस वीडियो में जान डाल सकते हैं। क्योंकि आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लीजिए, अगर आपका जो वॉइस क्लियरिटी सही नहीं है तो आपका वीडियो बेकार है। तो अगर अच्छा वीडियो के लिए आपको एक अच्छा मैक की ज़रूरत है जो आपकी वीडियो की जान डाले, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मेरे लिंक से जाके भी इसको परचेज कर सकते हैं, या आप मैं जितने भी टर्म एंड कंडीशन दिखाया हूँ वो सारे टर्म एंड कंडीशन में फॉलो कीजिएगा तभी मैक लीजिएगा, नहीं तो आपका मैक डुप्लीकेट अभी मार्केट में बहुत चल रहा है बोया BY-M1 मैक के नाम से, तो आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। तो अगर आपको फ्रॉडिंग से बचना है तो मैं जो भी जितना भी टर्म एंड कंडीशन दिखाया हूँ और जितना मैं चीज़ बताया हूँ तो वो सब देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपना मोबाइल को जो आप मोबाइल के लिए अपना मैक ले सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए DSLR कैमरा, कैमकॉर्डर के लिए आप अपना जो बोया का जो मैक है BY-M1 मैक वो ले सकते हैं, नहीं तो आप ठगा जाइएगा, आपको ठग लेगा, तो क्योंकि बहुत ही मार्केट में डुप्लीकेट बोया का मैक आ चुका है। तो इस तरीके जितने टर्म एंड कंडीशन सारे टर्म एंड कंडीशन को बहुत ही आसानी से आप फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मेरे लिंक पर उसको इसे जाके ले सकते हैं, और अगर नहीं लिंक पर इसे लीजिएगा तो आप जितना भी मैं बताया हूँ सबको बारीकी से देख लीजिएगा, फिर भी इसके बाद आपको मैक को परचेज करना है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं आपके लिए सही लेटेस्ट और शानदार वीडियो लाता रहूँगा।
तो आप कभी भी मैक लें तो जेन्युइन मैक लें और मैक को बहुत अच्छी तरीके से सर्च करके लें कि यह ओरिजिनल है या कोई फेक है या डुप्लीकेट है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट लेंगे तो आपकी वॉइस जो है आपकी वीडियो की वजह से ही होगी ख़राब। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर लें, मैं वीडियो में इसका लिंक दे दिया हूँ, अगर आप मार्केट से ही परचेज करिए तो मैं जो भी बताया हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।